सब क्षेत्र को लूटपाट करने की छूट दी हुई है। जिस तरह प्रदेश में बघेल जी छत्तीसगढ़ को लूटपाट कर रहे हैं, तो हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र में अवैध कोयले का धंधा करना, अवैध शराब का धंधा करना, जो इससे माइस का जो स्क्रैप है उसका धंधा करना, इस क्षेत्र में भी जो मैं लोगों से फीडबैक मिल रहा कि 5 साल जनता ने अपनी जनप्रतिनिधि चुना था जनहित के काम करने के, लेकिन 5 साल यहाँ के जनप्रतिनिधि ने सिर्फ अवैध कोयले का ढुलाई किया, अवैध शराब का धंधा किया, अवैध स्क्रैप का धंधा किया, और 5 साल जनहित के कोई काम नहीं किए। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अब शिलान्यास कर रहे हैं, तो जनता छत्तीसगढ़ की जनता जरूर गरीब है लेकिन बेवकूफ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को यह बात समझनी चाहिए कि काट की हंडी एक बार ही चलती है, बार बार काट की हंडी नहीं चलती। तो झूठे वादे और आश्वासन से छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस के बहकाव में आने वाली नहीं है, और विकास और सुशासन के प्रति भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनना तय। आपका कोई प्रश्न हो तो आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।